हेलो एवरीवन, वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो में आपको जानकारी दिया था लैन केबल क्या होता है, लैन वायर क्या होता है, इसका पूरा डिटेल्स में पिछला वीडियो में जानकारी दिया हूँ। आज मैं जानकारी दूंगा आपका लैन केबल का वायरिंग कैसे किया जाता है। तो मेरे पास जो ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग के माध्यम से आपको पूरा जानकारी देंगे। यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम किया है तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ट्रे वर्किंग का काम जानना होगा, फिर कंडूट वायरिंग कैसे किया जाता है ये भी जानना होगा। तो ये सब अगर जानकारी है तो आप ये काम कर सकते हैं, डाटा वायरिंग, नेटवर्क का वायरिंग, ये काम आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और यहाँ मैं ड्रॉइंग के माध्यम से आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। तो ड्राइंग मेरा पास उपलब्ध है, ड्राइंग में आपको पूरा जानकारी देता हूँ। जो IT कंपनी हर रूम पे, हर टेबल पे पूरा दो दो करके हर जगह में पोर्ट दिया हुआ, और इलेक्ट्रिकल आपका पावर सॉकेट भी दो दिया हुआ रहता है। कंप्यूटर एक है, फिर आपका उसके बाद जो है डाटा सॉकेट का भी कंप्यूटर चलेगा। तो जैसे कि ये हमारा ड्राइंग है, तो इसे जूम करते हैं, ठीक है। जूम करने पर देख लीजिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, देखने से पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग में मटेरियल क्या क्या है डिस्क्रिप्शन का चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आपका, ये जैसे आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं जूम कर लिया हूँ और यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कितना आपका क्वांटिटी है, यूनिट कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंबल भी दिया हुआ है, बायां तरफ जो दिख रहा है। तो पहला जो है IPS 2.7x12mm का BFL जूम कैमरा, इंडोर टाइप का, ये आपका क्वान्टिटी 2 नोच का है, सीसी कैमरा है। उसके बाद आते हैं आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट, ये जो है आपका 5 है, 5 नोच है। उसके बाद आते हैं आपका IPS 2.7x12mm वेरीफोकल लेंस CCTV कैमरा, इंडोर टाइप, ये आपका नोच कितना है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद आते हैं डाटा पॉइंट कैट 6 है। तो यहाँ पर देखिए, डाटा पॉइंट का जो कैट 6 का पॉइंट है, ये आपका 56 नोज जरूरत है, 56 नोज। उसके बाद आता है आपका IoT सेंसर वाईफाई, ये आपका 28 नोज का जरूरत है, IoT सेंसर। उसके बाद आता है इमरजेंसी फोन, ये आपका 5 पीस का जरूरत है, 5 नोज। और उसके बाद आता है आपका IP4, ये आपका 8 नोज का रहेगा, 8 नोज का जरूरत है। फिर आता है आपका CAT6A4PR23AWG नेटवर्क केबल, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मीटर का जरूरत पड़ेगा, कितना मीटर का वहाँ पर जरूरत है, लगभग यहाँ पर लिख दिया 1700 मीटर जरूरत है। तो कैटिक एक वाला जो केबल है ये व्हाइट वाला है, जैसे आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, ये देखिए मैंने व्हाइट वाला यहाँ पर पूरा केबल जितना है कैटिक एक ही केबल डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी और साइड में क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा हो गया, और मतलब जहाँ कैटिक का जरूरत है वहाँ कैटिक दिया जाता था, जहाँ कैटिक का जरूरत है वहाँ कैटिक का केबल डाला जाता था, टू टाइप का केबल डाला जाता था, लेकिन फुल्ली यहाँ पर जो है कैटिक एक ही केबल डाला जा रहा है। और उसके बाद 23 एक साइज है AWG केबल का, मतलब ये साइज है आपका 23 AWG, आपका AWG का मीन होता है अमेरिकन वायर गेज, इसका मीनिंग होता है फुल फॉर्म AWG का मीनिंग। तो तभी आपका नेट लैन केबल हो गया, इसमें लैन केबल सिक्योरिटी वाला भी केबल होता है, जैसे आपका BMS का जो ऑटोमेशन केबल होता है, रहता है 50 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, तभी आपका AWG लिखा हुआ रहता है। इसका फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कैसे AWG का केबल किया जाता है, BMS में किया हुआ है काम, उसका भी वीडियो आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर PVC कंडूक का दिया हुआ है, जैसे 42mm हैवी ड्यूटी PVC कंडूक, ये जो है लगभग कितना जरूरत पड़ेगा यहाँ लिखा हुआ है 275 मीटर का लगभग जरूरत है। फिर आता है आपका 25mm हैवी ड्यूटी PVC कंडूक, ये भी आपका 200 मीटर का आसपास जरूरत है आपका PVC कंडूक। फिर आता है 20mm का हैवी ड्यूटी PVC कंडूक, इसका भी जरूरत है, इसका ज़्यादा नहीं है, जैसे कहीं पर अगर सिंगल सिंगल पहुँचा रहा है, जैसे पहले तो आपका 32mm पे पहुँचा या फिर 20 में, फिर अगर सिंगल वाला जा रहा है तो 20 का वहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आपका 20 मीटर लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है जैसे इतना बड़ा है तो आपका जैसे 100mm हो गया, GI ट्रे 150mm हो गया, 200mm 300mm तक लास्ट ट्रे है हमारा। तो 100mm का पहले लिखा गया है, आपने दिया है वायर इंटू 60mm रेक बे, फिर आपका 150mm का वायर इंटू 60mm रेक बे, ये जो है आपका पहले जो 100mm का ये लगभग आपका 10 मीटर का जरूरत है, और उसके बाद 150mm का जो है ये 70 मीटर का आसपास जरूरत है। उसके बाद आता है आपका 200mm का जो रेक बे ट्रे है, यहाँ पर कुछ आपका मेजरमेंट कुछ आसपास नहीं है, कितना भी पड़ सकता है। फिर आपका 300mm का ट्रे, ये जो है आपका इसका भी कुछ मेजर नहीं है, कितना जरूरत पड़ेगा। फिर आते हैं आपका नेटवर्क रैक का, 4U नेटवर्क रैक जो है ये आपका दो है कुछ फ्लोर में, 24U नेटवर्क देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको 24U नेटवर्क आपका देखने को मिलेगा, जैसे हमारे स्टोर में पूरा भरा हुआ है, रखा हुआ पूरा, ये अभी मतलब इंस्टॉल का ही नहीं किया, अभी काम चल रहा है, जब लास्ट में होगा फ्लोरिंग मतलब पूरा स्टार्ट होकर जाएगा तब जाके इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर आते हैं आपका 48 POE पोर्ट नेटवर्क स्विच, ये जो है एक पीस रहेगा, 48 पोर्ट का रहेगा। और उसके बाद आता है 24 POE पोर्ट नेटवर्क स्विच, और आपका 24 का भी एक रहेगा POE नेटवर्क स्विच। फिर आता है आपका 24 पोर्ट UTP पैच पैनल, ये भी आपका, ये जो है आपका तीन पीस रहेगा, 24 पोर्ट UTP पैच पैनल, ये आपका तीन पीस रहेगा। 6 पोर्ट आपका LIU 2 नोज रहेगा, 6 पोर्ट का आपका 2 नोज रहेगा।
तो सबसे पहले केबल आपका आएगा LIU जो फाइबर केबल वहाँ आएगा, उसके बाद आपका फेस UPP पैनल मिल जाएगा, उसके बाद आपका POE स्विच से जाएगा सभी आउटपुट जितना भी आपका केबलिंग किया जाएगा, सीसी कैमरा का हो गया, बाइक का हो गया, आरपी फोन हो गया, इमरजेंसी फोन हो गया, जितना भी आपका पॉइंट दिया हुआ आपका POE स्विच से जाएगा और आपका फाइबर केबल आएगा LIU पोर्ट में, दो दिया हुआ है, दोनों में से जैसे 6 से 12 हो जाएगा, 12 से सभी को आपका डिवाइड कर दिया जाएगा जितना भी आपका POE स्विच में दिया हुआ है। अब चलिए इसका माउंटिंग डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, पहले माउंटिंग डिटेल्स जो है इसे जूम कर लेता हूँ। माउंटिंग डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए जो दाहिना तरफ आपका ब्लू कलर का लिखा हुआ है, ये जो नीचे जमीन लेवल से है आपका 150 mm यानी कि 1.5 मीटर हाइट पर लेना है, और यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स पूरा नीचे। यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ सेक्शनल व्यू आपका फेस प्लेट एंड बैक बॉक्स, इंस्टॉलेशन हाइट फॉर डाटा आउटलेट फेस प्लेट प्लस इंफॉर्मेशन आउटलेट, बैक बॉक्स आपका 100 बैक बॉक्स आपका 1500 mm फ्रॉम FFL, यानी नीचे जमीन लेवल से आपका 1500 mm पर हाइट पर देना है आपका फेस प्लेट बैक बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो उसी का सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि जैसे लिखा हुआ नीचे जमीन लेवल से आपका 1500 mm यानी कि 1.5 मीटर हाइट पर देना है आपका बैक बॉक्स और फेस प्लेट, और ये देखिए बैक बॉक्स आपका नीचे रहेगा, फेस प्लेट आपका ऊपर रहेगा। उसके बाद आपका राइट साइड में देख लीजिए 25 mm वाला कंडूट रहेगा जो नीचे गिरेगा आपका, और Cat6A4PR23AWG नेटवर्क केबल रहेगा, जो आपका नेटवर्क का स्विच है, फेस प्लेट है, बैक बॉक्स है। बैक बॉक्स जो है आपका जैसे नॉर्मली हम लोग को स्विच बोर्ड में जो इंस्टॉल किया जाता है आपका मॉडलर बॉक्स GI बॉक्स को ही रहेगा, लेकिन फेस प्लेट जो है कॉम स्कोप का है, कॉम स्कोप जैसे कि आपको दिख रहा है ये कॉम स्कोप का केबल भी रहेगा और आपका स्विच भी रहेगा, और जितना भी मटेरियल है आपका यूरेक का सभी जो है कॉम स्कोप का रहेगा। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ, जो आपका फेस प्लेट रहेगा उसका कवर 2 पोर्ट का रहेगा व्हाइट टाइप का, और ये शटर टाइप रहेगा, शटर रहेगा उसका, शटर रहेगा ओपन क्लोज करने के लिए शटर टाइप का रहेगा, ठीक है। और यहाँ और डिटेल्स दिया हुआ जिसे इसे भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नोट, डायमेंशंस आर इन इंच mm, और इसका पार्ट इंक्लूड आपका M12 CFS फेस प्लेट फ्रेम आपका 2 पोर्ट व्हाइट, फिर आपका M12 CFS फेस प्लेट कवर व्हाइट, आपका M12 आपका CFS फेस हाउस व्हाइट, फिर आपका M12 CFS शटर वाइट, M12 CFS सेल स्प्रिंग, स्प्रिंग भी रहेगा मतलब कौन सी रहेगा स्प्रिंग टाइप का रहेगा, आपका M10 स्लाइड टाइप का रहेगा, फिर आपका M10 CF आपका लेवल कार्ड रहेगा। उसके बाद आपका स्क्रू जो है M4x0.7x25 फ्लिप्स PH निकल TLT टाइप का रहेगा, और स्क्रू जो है आपका 2x32x5x16 टाइप ए सेल्फ टेप फ्लिप्स PH निकल TLT का रहेगा। क्या हुआ ट्रे इंस्टॉलेशन डिटेल्स, ठीक है। आपका ये जैसे सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग से आपका 2 थ्रेड रॉड आएगा, होल सीलिंग का ऊपर में रहेगा, ठीक है। 4 PR Cat6AWG केबल अंदर में रहेगा, और ऊपर से जो आपका स्लॉटेड GI चैनल नीचे दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड केबल ट्रे कवर, आपका जो ट्रे रहेगा उसका ऊपर में कवर लगाना जरूरी होगा, ऊपर में देख लीजिए GI थ्रेड रॉड, ये आपका 8 mm का रहेगा, एंकर फास्टनर ऊपर में रहेगा जो कंप्लीट सीलिंग रहेगा, एंकर फास्टनर से उसे हैंगिंग करना पड़ेगा, जैसे ऊपर में सीलिंग का ये दिया हुआ हैंगिंग करके आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, इस तरीके से ये GI ट्रे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। फॉल सीलिंग का ये ऊपर में रहेगा, यहाँ पर ट्रे का और डिटेल्स दिया हुआ है, अनप्रिपेयर्ड केबल ट्रे विथ कवर, जो ट्रे है उसका कवर भी रहेगा, फिर 4 PR केबल AWG केबल रहेगा, और यहाँ पर देख लीजिए और डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ जैसे डिटेल्स दिया हुआ है L का मीन्स क्या होता है, W का मीन्स क्या होता है, H का मीन्स क्या होता है, तो L का हो गया लेंथ ऑफ केबल ट्रे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जैसे L का मतलब तो लेंथ होता है, H का मतलब हाइट होता है, और W का मीन्स विथ होता होना चाहिए, विथ, बाकी यहाँ पर लेंथ लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ ड्रॉइंग बनाते समय मिस्टेक किया है, तो लेंथ विथ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई और आपका ऊंचाई, तो यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ, जैसे यहाँ पर लिख दिया है केबल ट्रे इंस्टॉलेशन हाइट टू बी कन्फर्म एज पर फाइनल इंटीरियर डेसिग्नेट, देख लीजिए जैसे ऊपर में लिख रहा है ELP केबल ट्रे, मतलब एलिवेटर वाला जो केबल ट्रे होता है साफ होता है, यानी कि साफ होता है, उसमें केबल ट्रे आएगा कुछ इस तरह का, वहाँ का बोर्ड तो इंस्टॉल कैसे कीजिएगा वाल में यह जानकारी दिया हुआ है, मतलब डिटेल्स ड्राइंग का यहाँ पर लगभग एक तरफ का पूरा हो गया, ट्रे का हो गया, कंडक्टर का हो गया, केबल हो गया, कौन सा मटेरियल इंस्टॉल रहेगा, ये सब सारा चीज़ हो गया, लेकिन हम लोग को केबल वायरिंग करके कहाँ पर कौन सा चीज़ देना है ये चीज़ देखना होगा, इसके लिए हम लोग को बाया तरफ वाला ड्राइंग को ओपन करना होगा, ठीक है। ये देखने में छोटा लगता है यहाँ पर, लेकिन बिल्डिंग जो है बहुत ही बड़ा है, 100 मीटर आपका लंबाई है दोनों तरफ, 100 मीटर बाय 50 मीटर लंबाई में ले लीजिए 100 मीटर और चौड़ाई आपका 50 मीटर, ठीक है। तो कितना बड़ा होगा ये अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाया तरफ वाला जैसे 2 आपका यूरेक था, तो 2 यूरेक में एक को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जैसे आपका दिख रहा है ये है आपका यूरेक, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यूरेक का क्या क्या इंस्टॉल रहेगा, जैसे 24 यूरेक विथ आपका 600 mm एंड डीप
800 ml, मतलब 600 बाई 800 का ये यूरेक है, ठीक है, विथ एंड डिप। और आपका 17 रन 4 पेयर कैट 6 AWG केबल, 1 नोच आपका 24 पोर्ट UTP पेज पैनल, 1 नोच आपका 24 POE पोर्ट नेटवर्क स्विच, 1 नोच ऑफ 6 पोर्ट 5 LIU नोट, 6 एम्पीयर यूएस पावर सप्लाई इज साइलेंट स्कोप। यानी कि इस पैनल के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए ये साइलेंट स्कोप है, यानी कि दूसरा को ये पावर सप्लाई देगा, बाकी जितना मटेरियल है हम लोग को इंस्टॉलेशन करना है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, केबल ड्रॉप आपका एंट्री फॉर आपका रैक बे टू रैक, सीधा ट्रे में जाके आपका नीचे ड्रॉप होगा, नीचे से फिर ऊपर आएगा, ये केबल ऊपर से ड्रॉप नहीं होगा, नीचे तरफ से केबल आएगा, यानी कि वहाँ पर जो है फॉल्स फ्लोर बनाया जाएगा छोटा सा, उस नीचे फॉल्स फ्लोर से ऊपर होते हुए आएगा। आपको जैसे दिख रहा है कुछ इस तरह का, जैसे फॉल्स फ्लोर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का बनाया जाएगा, फॉल्स फ्लोर का ऊपर में रैक में आपका पूरा केबल आएगा, उसके बाद आपका जो भी स्विच हो गया जितना भी आपका डिवाइस है सब कनेक्शन इंस्टॉलेशन किया जाएगा। फॉल्स फ्लोर बनाया जाता है आपका, जैसे छोटा हाफ रूम है ये, अब छोटा वाला है, बड़ा वाला टाइप का भी हाफ रूम रहता है आपका, ये छोटा वाला है। तो ट्रे आपका सीधा दीवार से वाल से नीचे चलाएगा, नीचे से फिर जमीन में भी ट्रे करते हुए ले आना है, और बीच में लाके ये जो यूरेक है उसे स्टोर किया जाएगा। फॉल्स फ्लोर का जो आपका टाइल से रहेगा उसे कटिंग करके वहाँ से ऊपर निकाला जाएगा पूरा केबल, उसके बाद ड्रेसिंग करके सारा चीज़ इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। बाएं तरफ जो दिख रहा है ये केबल गया हुआ है, जहाँ जिसका जरूरत है, इधर से आपका कंडू पे दौड़ाया है, ठीक है, कंडू दौड़ाया ट्रे नहीं गया। और दाहिना तरफ जो है आपका ट्रे गया है, तो दाहिना तरफ पूरा ट्रे दौड़ाते गया है तो देख लीजिए। और इस सामने रूम पे आपका यहाँ पर ये जैसे हब रूम है, हब रूम भी लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए, ठीक है, हब रूम में भी क्या क्या पोर्ट आपका दिया गया है यहाँ देख लीजिए, क्या बता रहा है, 1 रन आपका 32 mm PVC कंडू आपका आ रहा है यहाँ। और यहाँ पर आपका क्या क्या दिया गया है इसका डिटेल्स पीछे में है, S07L3 IPP03 S07L3 D02 S07L3 D03, ये आपका फेरूल डिटेल्स नंबर ये लगाया जाएगा पूरा, जो जो पोर्ट आपने दिया है उसका फेरूल ये डालना पड़ेगा, इसी का आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ड्रॉइंग में लिख दिया गया है। यहाँ पर जैसे ये जो मार्किंग आपका दिख रहा है ये पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, 1 रन ये 32 वाला केबल कंडूट आएगा, और केबल जो है यहाँ पर आपका 3 केबल आएगा, ठीक है, 3 केबल के लिए पॉइंट ये सब रहेगा, बाकी आपको क्या क्या उसमें यूज़ करना है, एक तो फोन रहेगा बगल में दिया हुआ है, और बाकी 2 क्या रहेगा ये पता नहीं, 3 पोर्ट दिया हुआ है, बाकी फिर आगे में चलते हैं, ठीक है। आगे में चलने पर यहाँ पर देख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 150 mm का ट्रे है, ये जो ट्रे है आपका 150 mm, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 150 mm का केबल ट्रे है ये, ठीक है, यहाँ से आपका कम हो जा रहा है, 100 mm का ट्रे हो जाएगा आगे में जाके, ठीक है, ये कम हो गया 100 mm का ट्रे, ये देख लीजिए 100 mm का ट्रे है, ठीक है, ये चला जा रहा सीधा आपका, देख लीजिए यहाँ पर एक IO पोर्ट दिया हुआ है, S07L3 आपका IoT06 स्विच नंबर, IoT06 यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, IoT06, ठीक है। फिर ये जो है वाईफाई वाला टाइप का है, ये ट्रे यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, लास्ट है। और दाहिना तरफ देख लीजिए तो कंडूट का मार्किंग किया हुआ है जो ब्लू कलर का है, और राइट तरफ जो है कंडूट फिर दौड़ाना है, 1 रन ऑफ 25 mm का कंडूट PVC दौड़ाना है। आगे में आपका जो जो पॉइंट है, बायां तरफ आपका चला जा रहा है, एक पोर्ट रहेगा आपका कोई, यहाँ जैसे आपका 25 आएगा, यहाँ से आपका 20 होते हुए सीधा कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पर भी आपका IoT पोर्ट दिया हुआ है, S07L3 IoT 04, सभी में आपका डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी हिसाब से फेरूल डालना पड़ता है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इस तरफ जो किया है, इस तरफ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी IoT 5 दिया हुआ है, ये जो है टॉयलेट एरिया है, फीमेल टॉयलेट है, IoT यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद और कंट्रोल जो इधर आ रहा था मुझे, यहाँ पर भी आपका एक आपका जो है रन 25 mm PVC कंट्रोल, यहाँ पर CC कैमरा एक दिया हुआ है, यहाँ लॉबी टाइप का है इसलिए यहाँ पर CC कैमरा दिया हुआ है। और आगे में इधर फोन का दिया हुआ केबल कीप ऑन सीलिंग फॉर पेड IP फोन, सीलिंग में रहेगा, ठीक है, IP फोन रहेगा सीलिंग का ये है। और इसी कंट्रोल को फिर आगे ले गया है IoT पोर्ट, यहाँ पर दिया है S07L3 IoT 09 पोर्ट, और भी बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, ये जैसे आपका हो गया एक तरफ का हो गया, ठीक है, एक तरफ का हो गया, तो इधर लेफ्ट साइड में भी कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर जो है लिफ्ट के पास दिया हुआ पोर्ट आपका, ये जो है लिफ्ट है, लिफ्ट के पास एक दिया हुआ है आपका स्विच पोर्ट, और उसका बगल में भी आपका IoT पोर्ट दिया हुआ है, वहाँ पर 2 दिया हुआ, लिफ्ट के पास जो है आमने सामने 2 दिया हुआ आपका स्विच पोर्ट 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर IoT का दिया हुआ है, उसके आगे में भी IoT रहेगा, यहाँ पर भी IoT दिया हुआ है, ठीक है, ये सब जो है वाईफाई टाइप से काम करेगा, ये जितना है आपका IoT पोर्ट ये वाईफाई टाइप से काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया गया है, रेड मार्किंग जो है नोट किया। तो इस केबल का मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर दे दिया है, नोट, मैक्सिमम केबल लेंथ फ्रॉम आपका स्विच साइड टू यूजर एंड इज अप्रोक्सीमेटली आपका 35 से 40 मीटर तक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे ही आपका जितना भी आपका फील्ड में आपका केबल डाला हुआ है आपका सभी में डिटेल्स लिख दिया गया है, जैसे यहाँ पर भी डिटेल्स लिख दिया, यहाँ पर आपका केबल लेंथ आपका ज़्यादा होगा इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मैक्सिमम केबल लेंथ यहाँ पर स्विच टू आपका एंड
अप्रोक्सीमेटली आपका 50 से 55 मीटर हो सकता है, ठीक है। उसके आगे में भी यहाँ पर आपका दूर जो ज़्यादा लेंथ है, यहाँ आपका 60 से 65 मीटर का इसका केबल लेंथ होगा। तो जैसे कैट सिक्स ए का केबल जो है हम लोग इसका मैक्सिमम लेंथ आपका 90 मीटर तक है, लेकिन उससे कम ही हम लोग डालते हैं, नहीं तो फिर आपका कम्युनिकेशन इसका काम नहीं करेगा, सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। 90 मीटर से कम डालना है, 90 से ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम आपका लेंथ जो है दिया हुआ 60 से 65 मीटर, ठीक है। यहाँ चाहता तो आपका बड़ा वाला यूरेक एक लगा सकता था, लेकिन केबल लेंथ आपका ज़्यादा हो जाएगा, 100 मीटर दूर है आपका, इधर भी 100 मीटर उधर भी 100 मीटर, तो 100 मीटर दूर होगा तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। और आपका इधर कोना से उधर कोना ले जाएगा तो दूर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर सारा चीज़ को ये ध्यान रखा गया है। तो बाया तरफ का यूरेक आपको दिखा दिया हूँ, अब क्या है यहाँ पर और एक यूरेक है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये भी आपका हबरूम है छोटा टाइप का, ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी आपका हबरूम है, यहाँ का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो देखिए इस स्विच में आपका क्या क्या रहेगा, आपका 24 यूरेक आपका वही 600x800 का है, 39 रन 4 PR कैट 6 AW जो केबल, 2 नोज का आपका 24 A2P पेस पैनल रहेगा, 1 नोज का आपका 48 फुट POE पोर्ट नेटवर्क स्विच रहेगा, 1 नोज आपका LIU फाइबर केबल रहेगा, और नोट यहाँ इम्पेयर्स जो पावर सप्लाई केबल है साइलेंट स्कोप है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स, जैसे पिछला जो डिटेल्स था, जैसे यहाँ पर भी आपका पिछला जो आपका हबरूम था उसमें भी आपका 3 स्विच का पॉइंट लिया था यहाँ और कनेक्ट था, तो सेम यहाँ पर भी लिया गया। और आपका इस तरफ जो है, जैसे ये आपका देख रहा है ELB शाफ्ट है, वहाँ तक ट्रे पहुँचा हुआ है, तो नीचे से जो फाइबर केबल है यहाँ तक इसमें आएगा, फाइबर केबल जो है यहाँ से आएगा ELB शाफ्ट से, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कंट्रोल जो आ रहा है यहाँ के लिए, तो उसका रन 132 MPBC कंट्रोल आएगा, ठीक है। फिर आपका 25 आपका एक नोड आ जाएगा, तो केबल ट्रे जो है ये आपका 150 mm का जा रहा है, ठीक है, 150 mm का, जहाँ जहाँ आपका 125 PVC कंट्रोल आपका उधर जा रहा है, उसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रे से फिर निकाल के ले जाइए, ठीक है, लास्ट यहाँ पर हो रहा है, फिर आपका 32 जितना इधर पोर्ट वगैरह है कंट्रोल जुड़ाइए ले जाइए, सारा डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया हुआ रहता है, कितना का कंट्रोल जाएगा, कितना का केबल जाएगा, केबल लेंथ कितना होगा मैक्सिमम मिनिमम, कुछ यहाँ पर डिटेल्स लिख देता है, यानी कि कितना आसपास होगा तो उतना यहाँ पर लिख देता है डिटेल्स, कितना का आसपास हो सकता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर केबल वायरिंग कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको जैसे GI ट्रे इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये जानना है, कंडक्टिंग कैसे करना है ये जानना पड़ेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल वाला यदि आप काम करते हैं तो कंडक्ट करने जरूर जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि कंडक्ट करने आप नहीं जानते, ठीक है। देखिए नॉर्मल काम जो है कंडक्ट का, यहाँ पर तो नहीं, दो आपका ड्रिल मारते जाइए सीधा लाइन ड्रिल मार के, फिर कंडक्ट दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद केबल खींच दीजिए, जहाँ जहाँ ड्रॉप है केबल का वहाँ पर ड्रॉप करके रख दीजिए, ड्रॉप कितना होगा ये पूछताछ कर लीजिएगा, आप जैसे सीलिंग में रहेगा तो 2 मीटर आसपास कितना रोल करके रख दीजिएगा, सही लोकेशन पे ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर नहीं, यहाँ पर जैसे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, बीम का मेजरमेंट कर लीजिएगा, ये जो है बड़ा बड़ा दिया हुआ रहता है ये बीम का है, तो बीम का बीच में कितना दूरी पर देना है यहाँ पर ये चीज़ भी लिखा हुआ रहता है, जैसे ये 2600 है वहाँ से यहाँ तक 2600 है, तो इस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उधर भी हो गया क्योंकि आपका 2 मीटर केबल लेंथ वहाँ छोड़ सकते हैं, तो 2 मीटर आपका केबल लेंथ होगा तो 1 मीटर आपका हाइट पे मतलब सीलिंग ड्रॉप होगा, तो 1 मीटर आप उधर इधर उधर बढ़ा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वायरिंग वाला जो काम है यदि आप करना चाहते हैं तो आसान काम है, और बहुत सारा काम इसका मिलता है।